चलने के लिए कोई कंडीशन नहीं रखता है। ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट होता है ना, ये सपनों को नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। आपका भी कोई सपना होगा, आपका भी कोई ड्रीम प्रोजेक्ट होगा, लेकिन उसे नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए अपने आप को बदलना पड़ेगा। नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए एंथुजियाज्म, अपने अंदर एंथुजियाज्म वो होना बहुत जरूरी। रात को 3 बजे यानी मॉर्निंग 3 बजे मैं जस्ट मैंने कहा कि चलो थोड़ा सो लिया जाए। 3 बज गए थे, मुझे ये पता था कि मॉर्निंग में जूम सेशन, मुझे ये पता था। तो जब मुझे ये पता था मॉर्निंग में जूम सेशन है, मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को डिजाइन कर दिया था कि मैं थकूंगा नहीं, मैं थका नहीं हूं, मैं मेंटली फिजिकली स्ट्रांग हूं। ये मैंने रात को सोने से पहले और 5 बजे फिर दोबारा मैं जग गया। मैं बैठा, मैंने स्क्रिप्ट लिखी, मैं बैठा, मैंने अपनी स्टोरी लिखी, मैं बैठा और मैंने ये सोचा कि एक समय में इस धरती की कोई कीमत नहीं। लेकिन समझने की कोशिश करिए, लेकिन एक इंसान की सोच एक सिटी को पूरी दुनिया में हिट कर देती है। मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूं, एक समय में इस सिटी को कोई पूछता नहीं था, लेकिन एक इंसान की सोच, एक इंसान का थॉट प्रोसेस पूरी दुनिया में उसका नाम कर देती। इसलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि एक जमाने में आप दिग्गज थे, यार मत अटकिए वहां पर। वो एक्सपीरियंस जो हुआ है, कड़वा हुआ हो, अच्छा हुआ, उससे सीखिए, आगे आएगी। लेकिन आप अगर वहां अटके हुए हैं तो भटक जाएंगे। मैं रिपीट करता हूं, एक जमाने में आप ये सोचते हैं कि मैं बहुत बहुत मेहनती, मेरा ग्रोथ बहुत हाई था, मैंने बहुत कुछ क्रिएटिव किया है, तो वहां पे अटको मत। वहां जो पॉजिटिव और नेगेटिव आपके साथ हुआ है, उसका पॉजिटिव हुआ तो उसका इस्तेमाल करिए, नेगेटिव हुआ है तो उसको सही करिए। और दूसरा, फ्यूचर का सोच करके रोने की आवश्यकता नहीं है। फ्यूचर में मेरा क्या होगा, फ्यूचर में मेरी टीम का क्या होगा, फ्यूचर में कंपनी का क्या होगा, फ्यूचर 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 का सोच करके रोने की आवश्यकता नहीं। आप पूछेंगे करें क्या सर, आप पास्ट को भी बोलते हैं मतलब 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 वहां मत अटको, आप बोलते हो फ्यूचर का मत करो, तो करें क्या? एक ही काम करना है, आज आज एक ही काम करना है, आज आज के दिन आप बदलो, आपको अपना बदलाओ, आज के दिन आपको अपने थॉट प्रोसेस क्रिएटिविटी में बदलो, आज के दिन में आपको नेगेटिव लोगों को पॉजिटिविटी में बदलना है। चारों तरफ जब इंसेंट टाइम चलता है, यानी सब नेगेटिव चारों, जब लॉस जाता है बिजनेस में, जब जॉब छूट जाती है, जब बिजनेस स्लो हो जाता है, एक इंसान क्या करता है? रुक जाता है। एक इंसान क्या करता है? थम जाता है। एक इंसान क्या करता है? अब हमसे नहीं होगा, अब हमसे नहीं। आपके सामने भी ऐसा वक्त आया हो, समझने की कोशिश करें, और या तो ऐसा वक्त आएगा। तो लोगों ने पूछा सर ऐसा वक्त जब आए तो करना क्या? तो मैंने कहा घर में बैठने से बेहतर है, घर में बैठने से बेहतर है लोगों के बीच जाओ, घर में बैठने से बेहतर है मार्केट में जाओ, घर में बैठने से बेहतर है अपनी रफ्तार बढ़ा दो। और नेटवर्क इंडस्ट्री में ये इंसेंट टाइम, ये नेगेटिव दौर बार बार आता है। 3 महीने दौड़ते हैं,
फिर नीचे से कुछ चले जाते हैं, फिर सोचते हैं वो चला गया उसके गम में। और मैंने इतनी बार आपको कविता बताई है जो बीत गई सो बात गई, उसे याद कर, जब भी ऐसा लगे कि नीचे वाला चला गया चला गया चला गया, अब क्या होगा अब क्या होगा, याद कर लो जो बीत गई सो बात गई। माना जीवन में तुम्हारा प्यारा जो बिछड़ गया तो कहां मिला, कब टूटे तारों पर अंबर शोक शोक मचाता है, शोर मचाता है जो बीत या शोक मनाता है जो बीत गई। ये अपने अंदर सबकॉन्शियस माइंड में डाल लीजिए माय डियर फ्रेंड्स। तो ना गम कर तू पास्ट का, ना लालच रख तू फ्यूचर का, दोनों ही खतरनाक हैं, दोनों ही वायरस हैं अगर नहीं संभाला तुमने तो। तो लोग बोलते हैं सर करे तो करे क्या प्रेजेंट, आज आज निकलना पड़ेगा बाहर, आज बताना पड़ेगा, शो द प्लान आज करना पड़ेगा, आज मैक्सिमम लोगों को मिलना पड़ेगा, आज लोगों को अपने साथ ले जाना, आज लोगों को बताना पड़ेगा, आज लोगों की विचारधारा को बदलना, आज अपने अंदर जोश लाना, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ हर रोज मालूम है कितना वक्त है, ओनली 24 आवर्स, सिर्फ 24 घंटे हैं तुम्हारे पास, फिर 24 हर रोज तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे हैं, और इन 24 घंटों में आपको अपनी सर्विस करनी पड़ेगी, आपको निकलना पड़ेगा, आपको लोगों को ले जाना पड़ेगा, आपको लोगों को विजन के लिए रेडी करना पड़ेगा, आपको लोगों को प्रेरित करना पड़ेगा। 30,000 लोग जो है अंडर वन रूफ एक नई क्रांति का आगाज जो होने वाला है, आपको कदम बढ़ाने पड़ेंगे, आपको अपना कंट्रीब्यूशन देना। इसके लिए हर रोज सुधरने की जरूरत है, हर रोज बदलने की जरूरत है, हर रोज एक नई आदत डालने की जरूरत है, हर रोज जो है अपने अंदर अंदर की आवाज को पहचानने की जरूरत है, हर रोज अंदर जो करंट लगा हुआ है, जो करंट लगा हुआ है उसको निकालने की जरूरत है। और हर एक इंसान के अंदर वो आग होती है, इतना याद रखिएगा, हर एक इंसान वो आग होती है, उस आग को निकालने की जरूरत है, क्योंकि जब तक तुम वो आग नहीं निकालोगे, क्योंकि आग ऊपर की तरफ जाती है, और जब आग ऊपर की तरफ जाती है तो जितनी भी नेगेटिविटी है ना वो सब जल जाएगी। वो आग ऊपर की तरफ जब जाती है तो आपको सफलता के प्रोसेस पे ले जाएगी। तो अपनी आग को निकालने के लिए सीखना पड़ेगा, अपनी आग को निकालने के लिए बदल, अपनी आग को निकालने के लिए अपडेट होना पड़ेगा। लोग बोलते हैं सर स्टेज पर जाने के समय मेरे पैर जो है लड़खड़ाते हैं, मेरे हाथ लड़खड़ाते हैं, जुबान मेरी ऊपर नीचे हो जाती है। सर ऐसा क्यों? मैं सिर्फ इतना बोलता हूं कि एक बार अपने से मोहब्बत कर ले, अपने से, अपने आप से। आगे जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल एक ही आइटम है, वो है आप। नया करने के लिए एक ही आइटम है, वो है आप। कुछ विशेष करने के लिए एक ही आइटम है, वो है आप। इसलिए दुनिया में कोई भी अगर किसी को देखता है तो आपको देखता है, आप उसके बाद जो है वो कंपनी को देखता है, और उसके बाद वो प्रोडक्ट को देखता है। तो सबसे पहले किसको देखता है? आपको देखता है। सबसे पहले आपके आत्मविश्वास को देखता है, सबसे पहले जो है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज को देखता है, सबसे पहले आपके तौर तरीकों को देखता है, सबसे पहले आपके जज्बे को देखता है, सबसे पहले आपकी क्यूरियोसिटी को देखता है, सबसे पहले आपकी ईमानदारी को देखता है, सबसे पहले आपकी इथिक्स को देखता है, सबसे पहले आपके जुनून को देखता है, सबसे पहले आपके पैशन को देखता है, सबसे पहले जो है आपकी विचारधारा को देखता है, और सबसे पहले वो आपको देखता है, आपको देखता है, आपको देखता है। तो सुधरना किसको है? करना किसको है? आप, माय डियर फ्रेंड्स। फिर भी लोग बोलते हैं सर ट्रेनिंग की क्या जरूरत, पीपल से ट्रेनिंग की क्या। लोग बोलते हैं सर मुझे सब आता है। अगर ऐसा होता तो एक इंजीनियर अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजता, अगर ऐसा होता तो डॉक्टर अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजता, अगर ऐसा होता तो एक गवर्नमेंट सेक्रेटरिएट जो टॉप पोजिशन पर बैठा है वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजता। हर कोई इंसान अपने बच्चों को स्कूल इसलिए भेजता है क्योंकि वहां उसको ट्रेनिंग मिलती है, वहां उसको सिस्टम मिलता है, और वहां एक विचारधारा मिलती है। तो सुबह जो है, सुबह का जो टाइम है ना 7 से 8, एक सिस्टम है, जो सिस्टम है इसने एक ऐसी आदत डाल दी तुम्हें कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये हो गया, चल गया कि 7:15 मैं वेटिंग लिस्ट में आ जाना चाहिए।
तो पहले सुपर 60 आते हैं, फिर सुपर 100 होते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ के 170 जाते हैं, और कुछ 7:30 बजे आते हैं 15-20 लोग जो देखने आते हैं, उनकी भी एक आदत बन गई कि क्या ये जोश वैसा ही कायम है, अमित सर का क्या जोश वैसा ही कायम है, जोश में कुछ ऊपर नीचे तो नहीं हो गया। अरे अमित सर तो पागल है, सनकी है, सनकी न्यौछावर इसलिए पैदा हुआ है कि दुनिया के लिए अपने आप को न्यौछावर करेगा। बिल्कुल माइंड उसका क्लियर है, बिल्कुल फोकस उसका क्लियर है, उनका एम उसका क्लियर है, गोल क्लियर है, उसके ड्रीम क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। वो दुनिया के लिए अपने आप को न्यौछावर करने के लिए पैदा हुआ है, लीडर्स को क्रिएट करने के लिए पैदा हुआ है, वो लोगों की विचारधारा को बदलने के लिए पैदा हुआ है, लोगों को पकड़ पकड़ के लीडर बनाने के लिए पैदा हुआ है, वो उनके अंदर आत्मविश्वास भरने के लिए पैदा हुआ है। वो हर बार आपको ऐसे ही मिलेगा, जोश में मिलेगा, जुनून में मिलेगा, और हर बार वो पागलपन में मिलेगा, हर बार सनकपन में मिलेगा, हर बार मिलेगा। क्यों मालूम है? क्योंकि इसका फोकस क्लियर है। क्यों मालूम है? क्योंकि पुरानी एक्टिविटीज जितनी भी है वहां से मैंने सीखा है, वहां मैं अटका नहीं। और फ्यूचर है, फ्यूचर की कोई परवाह नहीं, वो तो समुद्र है। आज 24 घंटे आज सुबह मैं आपको क्या दूंगा इंपॉर्टेंट वो है, आज सुबह मैं आपके अंदर कौन सा आपको इंजेक्शन दूंगा इंपॉर्टेंट वो है, कौन सा करंट पास करूंगा इंपॉर्टेंट वो है, आज मैं किस जगह से आपको सेशन दे रहा हूं इंपॉर्टेंट वो है। आज वहां बैठे बैठे आप धीरू भाई अंबानी साहब को आज महसूस कर सकते हैं, वो एनर्जी आप महसूस कर सकते हैं यहां आने के बाद, यहां बैठने के बाद, होटल से जो मैं आपको सेशन दे रहा हूं आज, जो एक अलग प्रकार की चेतना सी अंदर है, एक अलग प्रकार का जुनून सा अंदर है, एक अलग प्रकार का, क्योंकि मैं जब विजुलाइज करता हूं, जब मैं सोचता हूं कि यार एक इंसान जो है कम पढ़ा लिखा इंसान, उसके उसके अंदर जो है एक ऐसी आग जिस आग को उन्होंने निकाला और उस आग को लगातार निकाला, एक बार नहीं निकालना, मंडे भी निकालनी पड़ेगी, ट्यूसडे भी निकालनी पड़ेगी, वेडनेसडे भी निकालनी पड़ेगी, थर्सडे भी निकालनी पड़ेगी, फ्राइडे भी निकालनी पड़ेगी, सैटरडे पूरा वीक निकालनी पड़ेगी, पूरा मंथ निकालनी पड़ेगी, पूरे ईयर निकालनी पड़ेगी। ऐसा नहीं बोल सकते सर वेडनेसडे थर्सडे बहुत जोश में था सर, मैं फ्राइडे को ढीला हो गया था सर, मंडे ट्यूसडे को जुकाम आ गया था ढीले, मैं नहीं बोलता, माइंड का वो हिस्सा बोलता है। कुछ भी हो जाए, कितना भी बुरा वक्त आ जाए जिंदगी में, इतना याद रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, कितनी भी विचारधाराओं को रोक लगाने के लिए लोग खड़े हो जाए और ये बोले कि तेरे से नहीं हो सकता, तू नहीं कर सकता, तुम अपने आप को इस तरह से पेश करो कि दुनिया तुम्हारी दीवानी हो जाए। 4 दिन से एक न्यूज चल रही, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर, वो न्यूज है, वो न्यूज नहीं है, हमारे लिए वो क्या है, हमारे लिए वो खुशी की घड़ी, हमारे लिए एक स्ट्रेटेजी है कि किस तरह से एक बंदा ब्रांड बनता है, एक ब्रांडिंग करता है इस देश के लिए। जब उनका वेलकम हुआ तो बोला ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, मोदी द बिग बॉस, माय गॉड। ये सुन करके देखिए पॉलिटिकल नहीं है इसमें कुछ, लेकिन जब अपने देश के बारे में जब देश के प्रधानमंत्री का वेलकम सुनता हूं तो मैं एक प्रधानमंत्री का वेलकम इसमें नहीं देखता, मैं देखता हूं 150 करोड़ की आबादी का पूरे वर्ल्ड में सम्मान हो रहा है, सम्मान। माय डियर फ्रेंड्स, यही मौका है, 30,000 लोग अंडर वन बैनर कुछ ऐसा कर जाए, कुछ ऐसा कर जाए। कुछ बोलेंगे सर समय कम है, ढीले, मैं नहीं बोलता, दिमाग का वो हिस्सा बोलता, तुम चाहो तो 5 दिन में वो कर सकते हो जो 50 में भी नहीं कर सकते, तुम चाहो तो 5 दिन में वो कर सकते हो जो 50 में भी नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा वक्त जो है ना सेल्स ना लाने में लगता है, डिस्कशन करने में लगता है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये करेंगे, ऊपर करेंगे, नीचे करेंगे, ढीले, मैं नहीं बोल रहा, दिमाग का हिस्सा,
सेल ना लाने में सबसे ज्यादा वक्त लगता है। अगर सेल्स लाने का अगर इंसान ने सोच लिया तो एक सेकंड लगता है, माइक्रो सेकंड लगता है, सही क्लिक होता है। ये उसी तीर कमान की तरह है, फोकस क्लियर है तो वही लगेगा, तो आंख में लगे, लेकिन फोकस क्लियर नहीं है तो इधर उधर की बातें होंगी। हमसे नहीं लगा, पत्ते हिल रहे थे, चिड़िया हिल रही थी, तो वो हिल रही थी तो मैं भी हिला, पत्ते